आपके साथ संजय यादव। रात के 8 बज चुके हैं, वक्त चुका है आज के सबसे बड़ी बहस यानी कि 8 के अटैक का जवाब तो लेकर रहेंगे। सरकारी नीयत पर विपक्ष के सवाल, जी हां, किसानों को लेकर विपक्ष ने सरकार को घेरा है। सरकार की तरफ से फसल खराबे के बाद गिरदावरी के लिए बकायदा आदेश जारी किया गया है, लेकिन इस पर पेच कहां फंस रहा, क्यों विपक्ष को लग रहा कि सरकार की मंशा साफ तौर पर ठीक नहीं दिखाई दे रही। दरअसल किसान एक ऐसा किरदार है जो हाड़ तोड़ मेहनत कर अपने परिवार, परिजन, समाज और देश का पेट भरता है, इसीलिए उसे अन्नदाता कहा जाता है। प्रकृति का आंगन उसकी कर्मभूमि होती है, खेत खलिहान की पगडंडियां उसके हाईवे होते हैं जिनसे वो हर रोज दिन रात गुजरता है, और खेत में लहलहाती फसलों को देख उसके चेहरे पर एक नैसर्गिक मुस्कान खिल उठती है। उसके चेहरे की रेखाओं में एक उम्मीद दिखती है जिसे पकड़कर वो जीता है, लेकिन कभी कभी कुदरत की बेरहमी उसकी उम्मीदों पर पानी फेर जाती है। उसकी लहलहाती फसलें मौसम की बेरुखी की भेंट चढ़ जाती हैं और वो हाथ मलता रह जाता है। खेतों में बिखरी हुई उम्मीदों को दम तोड़ते देख उसकी आत्मा तड़प उठती है। खेत से लौटते उसके पांव जंजीरों में जकड़ जाते हैं। दिलासा देने वाला भी कोई साथ नहीं होता, क्योंकि सारे किसानों की हालत एक जैसी होती है। भविष्य की चिंताएं उसे अपने बेरहम बाहों में जकड़ लेती हैं, और एक टूटा हुआ बिखरा हुआ इंसान जिसे किसान कहा जाता है वो भरे मन से खेत से लौटकर घर की दहलीज पर कदम रखता है। अब उसे एक फरिश्ते की जरूरत होती है, वो फरिश्ता उसे सरकार में दिखाई देता है। प्रदेश के किसान भी कुछ ऐसे ही हालात में, ऐसी स्थिति में पहुंच चुके हैं। प्रदेश में ओलावृष्टि की वजह से उनकी फसलें फिलहाल खराब हो चुकी है। प्रदेश के कई इलाकों में मावट से रबी फसलों को भारी नुकसान पहुंचा, ओलावृष्टि हुई है। सरकार ने गिरदावरी के आदेश दिए तो हैं, लेकिन किसानों की उपेक्षा का सवाल खड़ा करते हुए उप नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि किसी भी जिले के प्रभारी मंत्री या सचिव ने किसानों की हाल जानने की अब तक कोशिश नहीं की। किसानों के नुकसान की जमीनी हकीकत क्या है, वाकई में यह जानने की अब तक जहमत नहीं उठाई गई। राजेंद्र राठौड़ का आरोप यह भी है कि सरकार ने किसानों को सबसे कम राहत राशि अब तक बांटी है 3 साल में। उन्होंने विशेष गिरदावरी के आदेश के अगले ही दिन सरकार की नीयत पर सवाल खड़े किए। सवाल यह भी है कि किसानों का खराबा कितना हुआ, और अगर 33% से कम खराबा हुआ है तो क्या सरकार वाकई में इन किसानों को राहत मुहैया करवा पाएगी। आज की रिपोर्ट देखिए, फिर चलेंगे सीधे मेहमानों के पास। प्रदेश में हुई मावट ने किसानों को राहत दी, लेकिन वो राहत ज्यादा देर तक नहीं टिकी और ओलावृष्टि ने किसानों के माथे पर चिंता की लकीरें उकेर दी। ओलावृष्टि से किसानों को हुए नुकसान के बाद कुछ राहत की मांग उठने लगी है। सत्ताधारी पार्टी के विधायकों, सरकार के मंत्रियों और विपक्ष की मांग के बीच मुख्यमंत्री ने विशेष गिरदावरी के आदेश भी दे दिए हैं। राजस्व विभाग ने सभी जिला कलेक्टर से विशेष गिरदावरी करवा कर रिपोर्ट भेजने को कहा है। अगर फसल खराबे की बात करें तो जयपुर में, सीकर में, झुंझुनू, अलवर, भरतपुर, सवाई माधोपुर, टोंक और नागौर, झालावाड़, कोटा, बूंदी, बारा और चूरू जिले में फसलें ज्यादा खराब होने की आशंका जताई जा रही है। जयपुर में तो कलेक्टर अंतर सिंह नेहरा ने विशेष गिरदावरी के आदेश देकर रिपोर्ट भी तैयार करवाई, लेकिन जयपुर में कहीं पर भी फसल में ज्यादा खराब नहीं बताया जा रहा है। कहा जा रहा है कि फसल शुरुआती स्तर पर है और इसमें खराबा 33% से कम है। ऐसे में आपदा राहत के नियमों के दायरे में ये खराबा मुआवजा देने लायक नहीं बनता है। जयपुर में जिस दिन बरसात हुई थी ज्यादा और उसी समय कुछ ओले की भी सूचना प्राप्त हुई थी, तो अपने तकरीबन 20% खराबे की कुछ स्थानों पर सूचना प्राप्त हुई थी, उससे अधिक की नहीं हुई है। क्योंकि राज्य सरकार ने कल निर्णय लिया कि विशेष गिरदावरी यदि उसमें करनी है तो जो ही उनके आदेश आएंगे उस अनुसार गिरदावरी भी उन क्षेत्रों की करवा ली जाएगी। पर जयपुर में मेरे हिसाब से अभी जो प्रारंभिक सूचना जो सभी से प्राप्त हुई है उसमें 20% से अधिक कहीं भी खराबा नहीं हुआ। वही ओलावृष्टि से फसल खराबे का मामला प्रतिपक्ष के उपनेता राजेंद्र राठौड़ ने सरकार पर निशाना साधा। राठौड़ का कहना है कि सरकार के प्रभारी मंत्री और प्रभारी सचिव निष्क्रिय हैं और मंत्रियों और सचिवों में से किसी ने जिलों के दौरे नहीं किए, किसी ने भी किसानों के नुकसान की हुई जमीनी हकीकत जानने की कोशिश नहीं की। सरकार की मंशा और मंसूबे किसानों के हित में उनको उनकी सहायता देने के लिए बिल्कुल नहीं रहे। ये बातें वही है जिस सरकार की बुनियाद किसान को धोखा देकर बनी है, जिसने कर्जा माफी की बात कहकर किसान से मुकरने की बात करी, आज उस सरकार से किसी प्रकार की उम्मीद नहीं है। अब तक का कैलेमिटी रिलीफ फंड का सबसे कम लाभ अगर राजस्थान में मिला है तो इसी अशोक गहलोत की सरकार में मिला है। फसल खराबा होने से किसानों के दर्द और मुआवजे के बीच सरकार के नियम आड़े आ रहे हैं। ऐसे में किसान राहत और मुआवजे की क्या उम्मीद करे। शशि मोहन शर्मा, जी मीडिया, जयपुर। रिपोर्ट।